ठीक है, तो हमने ये कोड लिखा था। अब अभी आप बोलोगे सर ये आपने क्या लिख दिया, हमारे को तो समझ में ही नहीं आया। उस दिन भी हमने भी उजैर की तरह कॉपी किया, पेस्ट किया और तीन चार कोड मारे, चैट जीपीटी को बोला इसमें थोड़ा चेंज कर दे, उसने क्या कॉपी, बोला यार भेज दो सर को असाइनमेंट, मैं भी उसको देखता हूँ, टैग नहीं लगाया, वीडियो बना के भेज इसकी। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या किया इसने, ठीक है ना, ये समझ लें बात, वाकई ये बड़ी काम की चीज है। देखें, अगर आप ये काम नहीं करते तो क्या करते भाई, आप अगर ये काम नहीं करते तो आप इसको ऐसे डिफाइन करते, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि चलें अभी हम चलते हैं इस पर, आ जाओ आ जाओ, और इस पे हम जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये तो सांस पे आ गए, ओ नहीं बात नहीं थी भाई, और यहां से हम चलते हैं क्लास, शीडो क्लास आ गया यहाँ पे। व्हाट आर शीडो क्लासेस, अब ये कह रहा है अ शीडो क्लासेस इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, जैसे शीडो डैश क्लास। ओके आगे देखें, जैसे इसने यहाँ पे डिफाइन की है ए डॉट हाईलाइट होवर, ठीक है। शीडो क्लासेस कैन बी कंबाइंड विद एचटीएमएल क्लासेस, और एक सिंपल एलिमेंट है जो है क्लास, यानी कि अगर हम यहाँ पे फाइंड करें सी एस एस क्लास या क्लास, तो शीडो क्लासेस, और चलो उसी को देखते हैं, शीडो क्लासेस को। तो यहां पर शीडो क्लासेस कह रहा है स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर माउस ओवर इट, स्टाइल विजिटेड एंड अनविजिटेड लिंक्स डिफरेंटली, स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट गेट्स फोकस। यानी कि शीडो क्लासेस जो हैं ये भी हैं, लेकिन ये कब एक्सेस होंगी, स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर माउस ओवर इट, यानी कि जब किसी एलिमेंट के ऊपर माउस ओवर हो, जब स्टाइल विजिटेड अनविजिटेड लिंक्स डिफरेंटली, एक लिंक पर क्लिक कर दिया या नहीं किया, उनके अंदर वेरिएशन पैदा करना हो, स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट गेट फोकस, किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना हो, फोकस करना हो कि हाँ भाई अब इधर क्लिक करना है। जैसे ये देखिए, देख रहे हैं, जैसे ये देखिए माउस ओवर, और ये तो, ये तो खैर आपने सीखे, जिसमें आपने होवर इफेक्ट सीखा, लिंक इफेक्ट सीखा, ठीक है ना, ये भी शीडो क्लासेस हैं, लिंक विजिटेड होवर और यहाँ पे एक्टिव, ठीक है। और ये इसको ट्राई कर लेते हैं तो ये आपको समझ में भी आ जाएगा। देखें इसमें क्या है, ए डॉट लिंक है, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये लिंक का कलर कुछ और हो जाएगा, ये देखिए जब इस पे माउस आ रहा है तो कुछ और कलर हो रहा है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक थोड़ा सा चीज को डिफाइन करें और उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कि यहाँ मैं गूगल करता हूँ और गूगल करके मैं यहाँ लिखता हूँ CSS क्लास डिक्लेरेशन रूल्स, तो कह रहा है इन CSS अ डिक्लेरेशन इज अ की ऑफ वैल्यू ऑफ पेयर ऑफ CSS प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू, CSS डिक्लेरेशंस आर यूज्ड टू स्टाइल प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन रूल्स एंड अप्लाई विजुअल्स, ठीक है। अब ये कह रहा है CSS सिलेक्टर्स एंड विजुअल रूल्स हैं, और CSS डॉट क्लास सिलेक्टर, तो यहां पर हमें बता रहा है कि डॉट क्लास जो है डिफाइन एंड यूज, कह रहा है डॉट क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, भाई जब भी कोई क्लास डिक्लेयर करेंगे तो जो उसके अंदर हम एट्रीब्यूट बताएंगे वो क्लास जिस एलिमेंट पे लगाएंगे उस पे वही एट्रीब्यूट अप्लाई होंगे, द सिलेक्ट एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड, यानी कि क्लास को डिक्लेयर करना बता रहा है ना, हमने सीखा पहले भी कि डॉट के साथ आप क्लास का नेम लिख सकते हैं, डॉट कैरेक्टर followed by the name of the class. You can also specify that only specific HTML element should be affected by a class. To do this, start with element name and the right dot character and character followed by the name and us look like example one below. तो कैसे इसको बताया इसने कि आप डॉट लिखेंगे और क्लास का नाम लिखेंगे। यहां पर इसने आपको ये नहीं बताया कि क्लास के नाम के साथ डैश भी यूज कर सकते हैं।
बताया इसने, सिंपल कहा कि आप क्लास का नाम विद कैरेक्टर रख सकते हैं, मतलब रो रख लें, कॉल रख लें, हेडर रख लें, फूटर रख लें, नेव रख लें, एबीसी रख लें, लेकिन यहां पर कहीं भी डैश नहीं बताया, समझ रहे हैं? अब जब क्लास का नाम आप इसके बताए हुए रूल से हट के रखना चाहते हैं, इसके बताए हुए रूल से हटके रखना चाहते हैं, अच्छा वो क्यों रखना चाहते हैं वो भी बता रहा हूं मैं भी आपको, तो आप उसको इस तरह डिक्लेयर करेंगे, कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्लास, दिस इज द कमांड, स्टैटिक इक्वल, और उसके अंदर जो नाम आप रखना चाहते हैं उस स्ट्रिंग को टाइप कर देंगे, जैसे कॉल डैश। अब जब कॉल डैश डिक्लेयर कर देंगे तो ये नाम एज अ क्लास नेम यूज किया जा सकता है, और फिर उसके लिए जो सीएसएस आप अप्लाई करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, जैसे फॉन्ट की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, इमेज की प्रॉपर्टी, जो भी चाहें लिख सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप डिफाइन करेंगे वही इस क्लास के एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे, ठीक है ना? और जब भी क्लास डिफाइन करेंगे तो आप कॉल या माय या योर डैश के साथ भी आप डिफाइन कर सकेंगे, यही क्लास का नेम बन जाएगा, ठीक है? ये तरीका है इसलिए कि हमने किया, वरना हम नॉर्मली डॉट सी ओ एल लिख के क्लास डिफाइन कर देते, ये ले हो गई, उसमें भी फ्लोट लेफ्ट और पैडिंग 15 पिक्सल कर देते, फिर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने अपने कोड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना था। कैसे ऑर्गेनाइज करना था? अब हम अगर ऐसे डिफाइन करते तो सोचिए, सोचिए कितनी डिफाइन करनी पड़ती, कॉल वन, कॉल टू, कॉल थ्री, फिर सब में अलग अलग विड्थ और सब में फ्लॉट और पैडिंग लगानी पड़ती, क्लासेस बढ़ जाती, कोड बढ़ जाता। तो कोर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके मिनिमाइज कर दिया, कैसे? हमने कॉल डैश डिफाइन किया और उसके अंदर कंपलसरी कर दिए इन दो एट्रीब्यूट्स को, तो हमें कितनी लाइन का कोड करना पड़ा, तीन। और जहां तक रही विड्थ की सवाल, तो हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया, कैसे? डॉट कॉल डैश वन की क्लास को रीडिक्लेयर कर दिया। हुआ ये कि ऊपर वाले मेथड से हमने एक नाम सजेस्ट किया कॉल डैश, और कॉल डैश वन के नाम से यहां क्लास डिक्लेयर कर दी, समझ रहे हैं? कॉल डैश के साथ कंपलसरी है फ्लॉट और वो पैडिंग, और कॉल डैश वन जिसमें लिखा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है विड्थ, और कंपलसरी है फ्लॉट लेफ्ट और पैडिंग, सही है? तो जब भी कॉल डैश के साथ वन लिखेंगे जिस भी एलिमेंट पे, उसकी विड्थ भी हो जाएगी 8.33% ऑफ 100% वेब पेज, और कंपलसरी होगा फ्लॉट लेफ्ट और पैडिंग 15 पिक्सल, तो कोड आपका मिनिमाइज हो गया और ऑर्गेनाइज हो गया। मतलब अब ये टेबल जब भी आप यूज करेंगे, आपको पता होगा यार 50% रखनी है कॉल डैश 6 लगा दे, यार 40% रखनी है कॉल डैश 5 लगा दे, यार 75% रखनी है कॉल डैश 9%, तो ऑलवेज वो इसी में से फॉलो करता रहेगा उसकी विड्थ को किसी भी कंटेनर की या एलिमेंट की। इसलिए हमने ये डिफाइन करना था तो हमने इस कोड को इस तरह से लिखा। अब समझ में आ गया ये, ठीक है ना? अब ये पूरा कोड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, अब आपको टेस्ट कल देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बगैर देखे, सही? क्लियर? अब कोई सवाल है तो पूछ लें।